Merry Christmas. Hello friends and welcome to another episode of Palat Tera Dhyan Kidhar Hai. आज के दौर में जिस तरह से साउथ की फिल्मों का बोलबाला है उसे देखते हुए लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये फिल्में बॉलीवुड फिल्मों से भी आगे निकल जाएंगी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ है, यहाँ अच्छा पैसा है, अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे टेक्नीशियंस हैं, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो साउथ के फिल्म मेकर्स की तरह एक अलग तरह के सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने का रिस्क क्यों नहीं उठाते हैं। इसका जो एक रीजन मुझे समझ में आता है वो ये है कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स फिल्म्स को आर्ट से ज्यादा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एग्रीड, ये ठीक भी है, हर प्रोड्यूसर पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाता है, पैसा गंवाने के लिए नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो नए सब्जेक्ट पर फिल्म कब बनेगी, इस तरह से बॉलीवुड पिछड़ता चला जाएगा। एटलीस्ट जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो ये रिस्क उठा सकते हैं ताकि एक अलग तरह की फिल्म बन सके जिसे ऑडियंस पसंद करे। लेकिन साउथ के फिल्म मेकर्स ऐसा नहीं करते, उन्होंने कई बार लीक से अलग हटके फिल्में बनाने का रिस्क उठाया है जिसमें वो कई बार कामयाब भी हुए हैं। और इस बात को सिर्फ साउथ की ऑडियंस नहीं बल्कि पूरे भारत की ऑडियंस मान चुकी है जब से उनकी फिल्में हिंदी में डब होकर चैनल्स पर आनी शुरू हुई है। आज मैं आपसे एक ऐसी साउथ इंडियन फिल्म की बात करूंगा जिसका सब्जेक्ट एकदम अलग था। एक्चुअली साउथ इंडिया में काफी सारी ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिनका सब्जेक्ट एकदम अलग हटके है, यूनिक है। आज मैं आपसे बात करूंगा तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म पिचाईकरन के बारे में। पिचाईकरन का हिंदी मतलब होता है भिखारी। शॉक, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फिल्म किस तरह की होगी। मैं इस फिल्म को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं इस फिल्म का स्टोरी भी आपको बताऊंगा। वैसे भी ये फिल्म हिंदी में डब होके कई बार चैनल्स पर आ चुकी है और मे बी कि आपने देखी भी हो। फिल्म के लीड रोल्स में हैं विजय एंटोनी और सतना टीटस। मैं यहाँ फिल्म के कंसेप्ट की बात करूंगा ना कि फिल्म के बिजनेस की, कि फिल्म हिट रही या फिर फ्लॉप रही। फिल्म की कहानी अरुल सेल्वकुमार की है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। सारा बिजनेस उनकी माँ का बनाया हुआ है जिसे वो बड़ी मेहनत के साथ इस ऊंचाई तक लेके आई थी। अरुल की माँ का फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है। सारे डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अरुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और किसी भी कीमत पर वो अपनी माँ को बचाना चाहता था। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रहा था तभी वहाँ से जाते हुए एक साधु ने उसे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, लेकिन अरुल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वो साधु उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से उठा देता है और उसके उठते ही पेड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ठीक उसी जगह पर आके गिरता है जहां पर अरुल इससे पहले बैठा था। इस हादसे के बाद अरुल का विश्वास उस साधु पर बढ़ जाता है और वो अपनी परेशानी साधु को बताता है। एक्चुअली अगर ये सीन फिल्म में नहीं होता तो भी काम चल जाता, लेकिन एक इतना बड़ा आदमी एक साधु की बात यूं ही कैसे मान लेता, इसे बिलीव कराने के लिए इस सीन को डालना बहुत जरूरी था। इस तरह के सीन से फिल्म को रियलिटी के करीब लाती है। साधु अरुल से कहता है कि क्या तुम 48 दिन तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के भीख मांग सकते हो, एक भिखारी की जिंदगी जी सकते हो। अब ये सीन एक प्रैक्टिकल सीन नजर आता है जब अरुल इसके जवाब में कहता है, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी माँ मुझे मिल जाएगी। यहाँ लॉजिकल बात यह है कि उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अपनी माँ के ठीक होने की बात चल रही थी, उसने इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं कि एक्चुअली साधु उससे क्या करने को कह रहा है। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन इसमें लॉजिक है, यही चीजें फिल्म को इम्पोर्टेंट बनाती है। यहाँ जो बातें होती है वो आपको कन्विंस कर देंगे कि साधु यूं ही अंधविश्वास के चलते अरुण को ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है। तुम्हारे मुंह से भीख शब्द ही नहीं निकला तो भिखारी की जिंदगी तुम कैसे जियोगे। इस सीन में डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे। अब साधु के कहे मुताबिक अरुल को अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी थी और हर दिन की शुरुआत उसे खाली हाथ से करनी थी, यानी कि पिछले दिन का कमाया पैसा शाम तक मंदिर में दान कर देना था। कुछ दिन सोच समझने के बाद फाइनली वो तैयार हो जाता है भिखारी बनने को। घर में वो कह देता है कि वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है। अब एक इतने बड़े बिजनेस टाइकून का यूं ही भीख मांगना शुरू कर देना थोड़ा अटपटा लग सकता था, इसलिए डायरेक्टर ने इस तरह के सीन क्रिएट किए हैं कि आप खुद को उसकी जगह पर रख के फील करेंगे कि कैसे सब कुछ होते हुए भी भीख मांगनी है। अब वो एक टैक्सी करता है और अपनी घड़ी, सूटकेस, शूज, जुराबे सब कुछ उस टैक्सी में छोड़कर एक जगह उतर जाता है। अब शुरू होता है एक संघर्ष भिखारी बनने का। अपने पर्स के सारे पैसे वो मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दान कर देता है और निकल पड़ता है सड़क पर भीख मांगने की कोशिश करने। यहाँ से फिल्म में एक वजन आता है। भीख किन से मांगी जाए, कहाँ पे मांगी जाए, कैसे मांगी जाए, ये सब तय करना जरूरी था। माँ,
बहुत भूख लगी है माँ, भीख दे दो माँ। एक करोड़पति के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ के भीख मांगना कितना मुश्किल हो सकता है, कितना ऑकवर्ड हो सकता है, ये चीज फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। मैं पूरी फिल्म की स्टोरी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं फिल्म के कंसेप्ट की। एक स्क्रिप्ट राइटर की सोच, एक प्रोड्यूसर का सपोर्ट और एक डायरेक्टर की क्रिएटिविटी से शुरू होते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स। फिल्म में हीरो को भिखारी दिखाया गया है। पूरी फिल्म के दौरान वो गंदे कपड़ों में नजर आता है तो कहीं शादियों से धक्के मार के बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। आपके लिए एक दिन होता होगा, अगर इनके लिए एक दिन यानी तीन वक्त, रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तीनों वक्त कोई उम्मीद नहीं रहती। इस तरह के सीन्स बॉलीवुड को कमाई करा के नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉरेन लोकेशन में गाने शूट नहीं हो रहे हैं, हीरो हर सीन में नए कपड़े पहन के नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकली ये ए ग्रेड की फिल्म है, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट को चुनकर उस पर फिल्म बनाना काबिले तारीफ है। बाकी की साउथ की फिल्मों की तरह ये भी एक फुल्ली कॉमर्शियल फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशंस है, लेकिन सब्जेक्ट एकदम अलग है। फिल्म एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। फिल्म में कुछ इमोशनल सीन्स हैं जिनका स्क्रीन प्ले काफी खूबसूरती के साथ लिखा गया है जो आपको पसंद आएगा। फिल्म के क्लाइमेक्स में थ्रिल भी देखने को मिलता है और फाइनली जब वो भिखारी से अपने असली रूप में वापस आता है तो उन सब लोगों के हाथ अपने आप उसके आगे जुड़ जाते हैं जो उसे भिखारी समझ के मारते थे, दुत्कारते थे। हाँ, फिल्म में कुछ चीजें थी जिसे और अच्छे से दिखाया जा सकता था, जैसे कि उसके अमीर बनने के बाद उसका साथ देने वाले भिखारियों के साथ अगर उसके कुछ इमोशनल सीन्स और होते तो शायद फिल्म का स्टेटस और अच्छा होता। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। फिल्म में थीम म्यूजिक है जो कि खास मौकों पर खास सीन्स में बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं। ये पैसे भीख में दूं तो लोगे क्या? फिल्म के लीड एक्टर विजय एंटोनी एक्चुअली में एक म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, बाद में उन्होंने प्रोड्यूसर और एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। फिल्म को तमिल के अलावा कुछ और लैंग्वेजेस में भी रीमेक करके बनाया गया, जैसे कि उड़िया में बेबी नाम से, जिसके लीड रोल में थे अनुभव मोहंती। इसके बाद इस फिल्म को मराठी में भी भिखारी के नाम से बनाया गया जिसके लीड रोल में थे स्वप्निल जोशी। चूला कसम आई, मी त्या भिकाऱ्यांमध्येच असतो ना साहेब, मी पण भिकारी आहे। और इस तमिल फिल्म का डायरेक्शन किया था ससी ने। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा तभी हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह की कुछ लीक से हटके बनी साउथ इंडियन फिल्मों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, और अगर आपकी नॉलेज में भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो लीक से हटके बनी है और हिंदी में डब भी हुई है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर इफ यू लाइक द वीडियो। You can like me, you can follow me on other social sites. Links are in the description. Be safe, have fun. Milte hain agli baar, fir kisi naye episode ke saath. Tab tak ke liye,